मित्रों, प्राय बहुत सारे साधकों के प्रश्न आते हैं, उनकी जिज्ञासाएं होती हैं कि आचार्य जी, हम काफ़ी समय से गायत्री की साधना कर रहे हैं, 1.25 लाख के अनुष्ठान भी कर चुके हैं, लघु अनुष्ठान भी कर चुके हैं, नित्य 11 माला, 21 माला या 3 माला का जाप भी करते हैं, लेकिन हमारी मनोकामनाएं पूर्ण क्यों नहीं होती हैं? हम जो चाहते हैं वह हमें प्राप्त क्यों नहीं होता है? ये लगभग हर व्यक्ति की समस्या होती है, जो भी साधना करता है उन सभी की समस्या होती है कि हम बहुत कुछ ईश्वर से चाहते हैं लेकिन हमें प्राप्त होता क्यों नहीं है। इसी संदर्भ में इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे चर्चा करेंगे कि हम किस जगह पर भूल करते हैं, किस जगह पर हम चूक कर रहे हैं कि हम उस चीज़ को नहीं देख पा रहे जो परमात्मा हमें देता है। ईश्वर आपको निरंतर कुछ ना कुछ दे रहा है। जब आप साधना करते हैं तो ऐसा नहीं है, गायत्री साधना किसी की भी निष्फल नहीं जाती है, लेकिन इसके पश्चात भी आपको ऐसा लगता है कि हमारी साधना निष्फल जा रही है तो उसके कारण को अपन खोजने का इस वीडियो के माध्यम से प्रयास करेंगे, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, तो शायद आपको अपनी गलतियों के बारे में समझ में आएगा कि कहाँ आप जो है चूक कर रहे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, हमारे एक बहुत बड़े व्यापारी मित्र हैं, एक बार हम उनके घर गए, उनकी पत्नी से मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला कि आज भाई साहब को 5 लाख का फ़ायदा हुआ है, लेकिन वो काफ़ी दुखी हैं, वो बोल रहे हैं कि घाटा हो गया है। तो मैंने बोला कि जब 5 लाख का फ़ायदा हुआ है तो किस प्रकार का घाटा हुआ हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो बोला आप उन्हीं से बात करें, उनके हिसाब से उन्हें 5 लाख का घाटा हो गया है। जब वो आए तो हमने उनसे पूछा कि भाई भावे जी बोल रहे हैं कि आपको 5 लाख का फ़ायदा हुआ है लेकिन आप बता रहे हैं कि आपको 5 लाख का घाटा हुआ है। बोले हाँ भाई, हमने 10 लाख रुपये की सोची थी लेकिन 5 लाख ही प्राप्त हुआ। हमने सोचा था कि शायद इस वर्ष जो है हमें 10 लाख का फ़ायदा होगा लेकिन 5 ही लाख का फ़ायदा हुआ। और वो दुखी थे। तो जितनी बड़ी आपकी अपेक्षा होंगी उतनी ही बड़ा आपका असंतोष होगा। हम करते क्या हैं कि अपनी अपेक्षाओं को बहुत बड़ा बना लेते हैं। हमारी अपेक्षाएं इतनी बड़ी होती हैं जिसके कारण से हमें लगता है कि हमारी साधना सफल नहीं हो रही है। जब आप ईश्वर के पास बैठते हैं तो जो ज़्यादा अनुष्ठान करता है इसका मतलब निश्चित रूप से समझो कि उसकी अपेक्षाएं बहुत बड़ी हैं, और जब आपकी अपेक्षाएं बड़ी होती हैं तो फिर आपका असंतोष भी उतना ही बड़ा होगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप जो चीज़ चाह रहे हैं, जितना आप चाह रहे हैं उतना आपको मिले। तब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो आपको मिल गया वो आपको दिखाई नहीं देता है। समस्या कहाँ जाती है? जब हम ज़्यादा अपेक्षाएं करते हैं और उस अपेक्षा के अनुरूप यदि हमें लाभ प्राप्त नहीं होता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हुई। यदि आप 10 की जगह 5 यदि आपने सोचा होता और 5 लाख यदि आपको मिल गया होते तो आपको जो है असंतोष नहीं होता। यदि आपने 3 लाख सोचा होता
और 5 लाख यदि आपको मिल गए होते तो आप सोचते कि आपको 2 लाख का फ़ायदा हो गया है, लेकिन आपने कुछ सोचा ही नहीं होता। और यदि आपको 5 लाख रुपया मिलता तो फिर निश्चित रूप से आपको ज़्यादा संतोष होता कि आपको 5 लाख का लाभ हुआ। लेकिन जब हम साधना करते हैं तो हमारी अपेक्षाएँ इतनी ज़्यादा बढ़ी चढ़ी रहती हैं और उन अपेक्षाओं के पूर्ण नहीं होने पर जो हमें प्राप्त होता है वो हमें दिखाई नहीं देता है। जब हम ईश्वर के पास बैठते हैं तो कुछ ना कुछ आपको अवश्य मिलता है, ऐसा नहीं है कि आपको ना मिले। गायत्री मंत्र में वो शक्ति है, गायत्री मंत्र के पास कि जो भी व्यक्ति साधना करता है उसकी साधना कभी असफल नहीं जाती, उसे कुछ ना कुछ अवश्य प्राप्त होता है। लेकिन हम दुखी इसलिए होते हैं कि हमारी अपेक्षाएँ बहुत बड़ी होती हैं, और जितनी ज़्यादा अपेक्षाएँ बड़ी होंगी उतनी ही ज़्यादा आप जो है साधना करना चाहते हैं। जिसने कभी गायत्री मंत्र का जाप किया नहीं, जिसने कभी गायत्री मंत्र सुना नहीं था, लेकिन ऐसे हम हजारों व्यक्तियों को जानते हैं जिनके हमारे पास वो फ़ोन आते हैं कि आचार्य जी हम 1.25 लाख का अनुष्ठान करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि उनकी समस्या बहुत बड़ी है। वो कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, बहुत बड़ी कुछ उनकी डिमांड है, उनकी बहुत बड़ी अपेक्षाएँ हैं। तो जिस चीज़ को आपने कभी जपा नहीं, जिसके बारे में आपको कुछ मालूम नहीं, आप उसके पास बैठ करके और आप ये अपेक्षा कर रहे हैं कि हमारा ऐसा काम हो जाएगा, तो फिर निश्चित रूप से आपको असंतोष प्राप्त होगा। तो इसलिए साधना करते समय जो व्यक्ति किसी प्रकार की कोई भी कामना नहीं करता है उस व्यक्ति के अंदर कभी असंतोष नहीं रहता है। संतोष जो है वो सत्य है, जो है वो दिखाई देता है, लेकिन असंतोष जो है वो दिखाई नहीं देता क्योंकि वो सत्य नहीं है। असंतोष के व्यक्ति स्वप्न देखता है, तब व्यक्ति असंतोष होता, असंतोष में तब व्यक्ति को असंतुष्टि होती। जो व्यक्ति स्वप्न देखता है कि मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास फैक्ट्री हो, मेरे पास बहुत बड़ा वैभव हो, मेरी इस सुंदर लड़की के साथ में शादी हो जाए, मेरे को इतना बड़ा जो है मैं ऑफिसर बन जाऊँ, मैं कोई बहुत बड़ा नेता बन जाऊँ, तो इस प्रकार की जब हम कामना करते हैं, जिस प्रकार की जब हम अपेक्षा करते हैं और जब वो पूर्ण नहीं होती हैं, तब फिर हमारे अंदर जो है असंतोष की भावना आ जाती है। दुख कहीं बाहर से नहीं आते, दुख हम स्वयं खोजते हैं। असंतोष कहीं बाहर से नहीं आता, हम स्वयं असंतोष को खोज लेते हैं। एक फकीर रास्ते में चला जा रहा था, अचानक उसका पैर जो है एक पत्थर से टकरा गया, पैर उसका लहूलुहान हो गया। वो झुका और उसने ऊपर देखते हुए भगवान को धन्यवाद दिया। उसके शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले महाराज आप क्या कर रहे हैं, आपके पैर में इतनी बड़ी चोट लग गई, खून आ रहा है और आप भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं। तो बोले मेरा पैर टूट भी सकता था, मेरी मृत्यु भी हो सकती थी, लेकिन वो तो नहीं हुई ना। भगवान का मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार है कि उसने सिर्फ इतना ही करके छोड़ दिया। लेकिन हम क्या काम करते हैं कि हमारे पैर में यदि कांटा भी गड़ जाता है तो हम इतना ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और भगवान को कोसने लगते हैं जैसे कि सारे संसार के दुख जो है उसने तुम्ही को दे दिए हैं। हम इतनी साधना करते, इतनी उपासना करते, फिर हमारे पैर में कांटा क्यों गड़ गया? धन्यवाद देने की बजाय हम उसे जो है कोसना प्रारंभ कर देते हैं। तो हमारी अपेक्षाएं जितनी बड़ी होंगी उतनी ही ज़्यादा हमें दुख होगा। एक राजा के पास में एक फकीर था, वो उससे बहुत प्यार करता था, उसे हमेशा अपने साथ में सुलाता भी था। एक दिन वो शिकार करने के लिए जंगल में गए, शिकार करते करते काफ़ी दूर पहुंच गए, भूख लग गई। तब राजा ने एक झाड़ के में एक फल देखा, सिर्फ एक ही फल लगा हुआ था। उसने उस फल को तोड़ा और उसके 6 भाग किए, 6 कली की उसकी, और उसने हमेशा की भांति सबसे पहले वो खाने के पहले उस फकीर को देता था, उसने उस फकीर को वो टुकड़ा दिया। उस फकीर ने बोला कि अद्भुत, एक और दे दो। राजा ने उसको एक और दे दिया, फिर उसने बोला बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत मीठा है, एक और दो। राजा को थोड़ी ज़्यादा ही लगी कि ये तो कुछ ज़्यादा हो रहा है, मुझे भी भूख लगी है, लेकिन ये तो पूरा का पूरा खा रहा है। फिर भी कोई बात नहीं, उन्होंने 3री कली भी दे दी। फिर उसने 4थी कली भी मांगी, अंत में सिर्फ 1 कली रह गई, उसने उसको भी मांगा। राजा ने देने से इनकार किया तो उसने हाथ से झटक लिया। राजा ने बोला भाई ये तो अब तो जो है बहुत ज़्यादा ज़्यादाती हो गई है, तुम पूरी 5 कली खा चुके हो और 1 कली जो बची है वो भी तुम पूरी लेना चाहते हो, भूख मुझे भी लगी है। तो राजा ने उसके हाथ से कली को छीना
और उस फल की उस टुकड़े को जैसे उसने मुंह में रखा तो तुरंत उसने थूक दिया। बहुत ही जहरीला था, कड़वा था। तो राजा ने बोला कि हद हो गई, तुमको मैं ये फल खिला रहा हूँ और तुम खाते चले जा रहे हो और बोलते बड़ा स्वादिष्ट है, तुमने बताया क्यों नहीं, ये बहुत कड़वा है। तो उसने बोला, महाराज जिन हाथों से मुझे हमेशा इतनी मीठी मीठी चीज़ें खाने को मिली हैं और एक दिन यदि उन हाथों से मुझे कोई कड़वी चीज़ मिल गई तो मैं उसकी आपसे शिकायत क्यों करूं? यदि शिकायत कर दी तो इसका मतलब है कि इतने समय तक आपने जो कुछ मुझे दिया वो सब निरर्थक हो जाएगा, तो उस चीज़ का मैं आपको आभास भी नहीं होने देना चाह रहा था। तो जब हम परमात्मा के पास बैठते हैं तो ईश्वर के पास में निर्विकार होकर के बैठना चाहिए, बगैर किसी कामना के बैठना चाहिए, तो फिर आपको जो मिलेगा उसमें निश्चित रूप से आप संतुष्ट होंगे, क्योंकि आपकी अपेक्षा ही नहीं है। लेकिन यदि आप अपेक्षाएं करके बैठेंगे तो निश्चित रूप से आप निराश होंगे, और जब आप निराश होंगे तो फिर आपको लगेगा कि आपको गायत्री मंत्र फलित नहीं हो रहा है, इसलिए आपको गायत्री मंत्र फलित नहीं होता है। तो इसको जब साधना काल में आप देखें कि आप कितनी अपेक्षा करके भगवान के पास बैठ रहे हैं, कितनी अपेक्षाएं हैं आपकी, और उन अपेक्षाओं के यदि आप दरकिनार करके और जिस दिन आप साधना करने बैठेंगे उस दिन आपको लगेगा कि आपके दरवाजे पर तो माँ गायत्री जो है हर चीज़ की वर्षा कर रही, सुखों की वर्षा कर रही, धन की वर्षा कर रही, हर प्रकार की आपके कामनाओं को पूर्ण कर रही है, बशर्ते कि आपकी अपेक्षाएं ना हों। जितनी ज़्यादा आप अपेक्षा करेंगे उतना ही ज़्यादा असंतोष आपके अंदर आएगा। तो मित्रों, आशा है यह सूत्र हमने आपको बताया, और जब आप साधना करते हैं तो इस बात को यदि आप स्मरण करके साधना करेंगे तो फिर आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा कि कहाँ पर आप त्रुटि कर रहे हैं और आपको क्यों असंतोष हो रहा है, क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि आपको गायत्री की साधना सफल नहीं हो रही है। तो फिर आपको समझ में आएगा और फिर आपको पता चलेगा कि माँ गायत्री आपको क्या क्या दे चुकी है। इन्हीं कामनाओं के साथ में मित्रों, कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।